अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरिया धरती टीवी न्यूज़ ऐं आउं आहियां रिज़वान हिंगोर जो सभ खां पहिरीं शामिल कंदासूं हिन वक़्त जूं हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के पाकिस्तान लाइ कर्ज की रकम जल्द जारी करने लाइ आईएमएफ ते दबाव विझण की दरख्वास्त करे छड़ी। जरियन मूजिब आर्मी चीफ अमरीकी परडेही वजीर वेंडी शेरमैन से टेलीफोन ते गाल बोल कई। आर्मी चीफ चयवा व्हाइट हाउस ऐं अमरीकी नाणे वारो खातो आईएमएफ ते पाकिस्तान लाइ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फौरी ॾियण लाइ दबाव विझे। गैर मुल्की मीडिया मूजिब व्हाइट हाउस खे अपील कई वई आहे त आईएमएफ जे 1.5 अरब डॉलर जी कर्ज़ जो अमल तेज़ कयो वञे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के वजीर अजम हाउस आमद अहम मामले ते मुशावरत। जरियन मूजिब आर्मी चीफ वजीर अजम से मुल्की दाखिली ए सलामती सूरत हाल ते गाल बोल कई। मुल्की मैशियत बचाने लाइ दुखिया फैसला कया, आवाम के रिलीफ देने लाइ हर मुमकिन कोशिश करे रहा आयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफद से मुलाकात बाद तकरीब के खिताब कंदे चयाई बिजली की पैदावार जो दारोमदार दरामदी तेल जिते घट कर रहा है। तरजीही बुनियादन से 6070 मेगावाट सोलर ए विंड एनर्जी मनसूबा शुरू कया वा। ईंदड़ महीने आवाम से पेट्रोल बम किराइण जो इम्कान। जरियन मूजिब 1 अगस्त का पेट्रोलियम लेवे बिना पेट्रोल 10 रुपया ए डीजल 16 खां 17 रुपया फी लीटर महंगो करण ते गौर विचार। 5 रुपया फी लीटर पेट्रोलियम लेवे वधाण की सूरत में पेट्रोल 15 रुपया ए डीजल की कीमत 24 रुपया फी लीटर वधण जो इम्कान है। पंजाब असेंबली जो इजलास 1 कलाक देर से शुरू। स्पीकर की चूंड लाइ वोटिंग कुछ देर में थी। तहरीक इंसाफ के सत्यन खान ए पीपल्स पार्टी ए नून लीग के गडियल उम्मीदवार सैफुल मलूक विच में मुकाबलो थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो वडे वजीर मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबतो। बलोचिस्तान के अवाम की भरपूर मदद करने की हिदायत। पीबी चेयरमैन की हिदायतन बाद वडे वजीर मुराद अली शाह बलोचिस्तान के वडे वजीर अब्दुल कुद्दूस के फोन कयो। बलोचिस्तान में बरसात सबब थियल तबाहकारियों से अफसोस जो इजहार। मुराद अली शाह अब्दुल कुद्दूस बिजन जो के खातरी कराई तो इन दुखी घड़ी में सिंध जो अवाम बलोचिस्तान के अवाम से गड़ बीठल है। सिंध सरकार हर सतह के बलोचिस्तान के बरसात मुतासरन की मदद करने लाइ हाजिर है। बरतानिया में हासिल कल खैरात की रकम पीटीआई के मिलने जो इंशा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स जो छिरकनाइंदड़ रिपोर्ट पीटीआई के फंडिस के राजन तां पर्दो खड़ी छो। रिपोर्ट मूजिब इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी फंडिंग की तस्दीक कर चुकी। पीटीआई फंडिस के घट रिपोर्ट करण ए केतरा ही अकाउंट लिकाण जा इल्ज़ाम। बरतानवी अखबार मूजिब इमरान खान तस्दीक कई तो तारिक शफी पीटीआई के चंदो दिनों। इमरान खान मूजिब तारिक शफी के जवाब दियण है तो उन रकम किथा हासिल कई। अबूजैबी के शाही खानदान के वजीर ए बैंकुल फलाह के चेयरमैन शेख अल नेहान भी पीटीआई के पैसा दिना। अबराज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव अरफान नकवी ईमेल कर बुधाया तो शेख जहा पैसा अची वह रकम लाहौर में इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट में मोकलने की तजवीज दिनी वही। पीडीएम फॉरन फंडिंग केस जो फैसलो जल्द बुधाने जो मुतालबो कर छो। पीडीएम अगवान के इलेक्शन कमीशन के मैंबर से मुलाकात। पीडीएम अगवान इलेक्शन कमीशन का मुतालबो कर फॉरन फंडिंग केस जो फैसलो जल्द बुधाया वे। मीडिया से ऐसे मुस्लिम लीग नून के अगवान शाहिद खाकान आबासी पीटीआई फॉरन फंडिंग केस में अच्छा कारा जाहिर थी वह। पीटीआई 8 साल का फॉरन फंडिंग केस का भजे पी। अकबर एस बाबर पीटीआई खिलाफ पका सबूत पेश कया। पीटीआई केस के दबाने लाइ हर मुमकिन कोशिश कई। फॉरन फंडिंग केस बाबत वाजे हकीकतन का मोह मोड़े न तो समझे।
इस रिपोर्ट के बाद कोई एक भी क्लेरिफिकेशन नहीं आई पीटीआई की जानिब से, इस फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के बाद एक भी बयान इसके हक में या मुखालफत में नहीं दिया इन्होंने, वरना कौम के सामने मानो हाँ तुम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हो। पुरजोर अल्फाज में हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर से फॉरन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। इस बैरूपिये के चेहरे से ये मास्क उतरना चाहिए कि फौरी तौर पर इसका नाम ईसीएल में डालें, इसके हवालियों का नाम ईसीएल में डालें, फौरी तौर पर जीआईटी तश्कील दी जाए। ये मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, क्या हमारे मुल्क में इसराइल और भारत के पैसे से अब शासन होगी? डूब मरने का मुकाम है जैसे लोगों पर, शख्सों पर। इसीलिए हम कहते हैं इस मुल्क में लाडला इज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। यह नहीं हो सकता इस मुल्क में कि एक जमात के लिए एक कानून और दूसरी जमात के लिए दूसरा कानून हो। सिंध सरकार इमरान खान जो नालो ईसीएल में शामिल करने जो मुतालबो कर छो, सिंध के इतलात पर वजीर शर्जिल इनाम अहमद पीटीआई के फॉरन फंडिंग केस जो फैसलो जल्द बुधाया वे। इलेक्शन कमीशन बिना के दबा के फॉरन फंडिंग केस जो फैसलो बुधाए, शर्जिल मेहमन मौजूद फाइनेंशियल टाइम्स पीटीआई की फॉरन फंडिंग बाबत रिपोर्ट डिनी। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट बाद इमरान खान जो नालो ईसीएल में विधो वे, फॉरन फंडिंग बाबत जीआईटी जोड़ी शफाफ जांच कराई वे। जीआईटी जरिए पतो लगाए वे तो पीटीआई के परडे में फंडिंग किए थी। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट बाद पीटीआई के कें भगवान जो बयान ना आयो। सुप्रीम कोर्ट ने तरमीम तहत रिलीफ के मशरूत करने की दरख्वास्त से हुकूमत के नोटिस जारी कर छाया। चीफ जस्टिस रमात सदींदे अदलिया की आजादी समाज में तवाजन बरकरार रखने लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर ताब बिंदियाल की सरबराही में टे रुकनी बेंच नेब कानून में तरमीम खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त बुधनी कई। बुधनी दौरान चीफ जस्टिस उमर ताब बिंदियाल रमात सदींदे चेक एंड बैलेंस हुजन जमहूरियत लिए तमाम जरूरी है। करप्शन वह है तो अवाम गैर कानूनी कम कर फायद कंखे पहुंचा। करप्शन बिना बुनियादी तौर अख्तियार जो नाजायज इस्तेमाल है, खजाने के नुकसान पहुंचाने है, गवर्नेंस है, हुकूमत हलाल है, एहतसाब जरूरी है। समूरन सूबाई और कौमी असेंबली चूंडू एक ही वक्त में थन्द घर मामलों के वफाकी वजीर राणा सनावला पीटीआई के इस्तीफाओं डींदर सीटन से चूंडू विढ़ा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की कोशिश है कौम के विराए। टिन्हीं पार्टियों के फंडिंग केस जो फैसलो गड अचन घुर्जे। पीटीआई अगवा फवाद चौधरी कानून जो मकसद वो है तो वोटर के खबर हो सियासी पार्टी के केर फंडिंग कर रो है। पीटीआई 40,000 का वोटर्स जहाँ तफसील इलेक्शन कमीशन दिना समड पार पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के सपोर्ट और फंडिंग कह पाकिस्तानी के खबर होजन घुर्जे तो नून लीग पीपल्स पार्टी के केर फंडिंग कर रो है। नून लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग जहाँ राज अजा ती सामू छो न आया। नंढी चूंड बदरा नये चूंडन ते मामला तय थी वया। अगूने वफाकी वजीर शेख रशीद दावा कई है अक्टूबर में चूंडन की तारीख नए इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत जो फैसलो कौम जल्द बुधी वी इतिहादियों की सियासी साख थी वही। जमहूरियत मजाक असेंबली तमाशो बन वही हाँ खलक के खुदा फैसलो क। वक्ती गवर्नर आगा सराज दुरानी से आई जी सिंध गुलाम नबी मेवाणी की मुलाकात। अमन अमान की सूरत आल स्टेट क्राइम के खात्मे बेन मामलों से भी गाल आगा सराज दुरानी के कड़ी यासीमा अगवा थल रहमान मुगल के बाजियाब करने की हिदायत कर। बरसातों का सिंधु में चाड़ जो सिलसिलो जारी। गुडू वट सिंधु नदी में पानी की सतह में वाद। गुडू और सखर बैराज से हेठाई दर्जे के बोर्ड। गुडू बैराज वट मथाओं वहकरो 3,60,081 क्यूसिक हेठाओं वहकरो 2,83,176 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज वट मथाओं वहकरो 2,80,055 क्यूसिक हेठाओं वहकरो 2,51,085 क्यूसिक रिकॉर्ड कर।
गुडुबरा के बचाव बंधन से पानी के दबाबाद कच्चे के मानू के हाई अलर्ट जारी कादपुर वट शेंक बंद कमजोर थी वो दरियाई वेकरो शेंक बंद कर लगो मकामी मानू पैं मदद पान थे बंद के मजबूत करने जो कम शुरू कर छो मकामी मानू जो चवण कदम न खया व्या हजारे एकड़ फसल की आबादी मुतासर थी चारूशा में गैस्ट्रोवे के वधिक एक निगरी फौत गोठ बानू खान कोलाची में मर्ज में वरतल सतन वर की अलीसा कोलाची दम दिनों इलाके में चौवी कलाक दौरान गैस्ट्रोवे के फौत थे जो अंग टे थी नौ देरों भरसा सलाह के वांड में 10 वर जो नींगर गुलाम अली जी गैस्ट्रोवे फौत थी